एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं इचिकावा को जो कि एक ड्राइंग कर रहा है। एक लड़का है और उसके हाथ पर ब्लैक मैजिक है और उसका हीरोइन भी एक लड़की है, पर वो लड़की देखने में थोड़ा सा यमाडा की तरफ लग रहा था। तो फिर इचिकावा इन्हें यमाडा की तरफ देखता है और बाद में हम देखते हैं नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा थोड़ा सा बीमार होता है। तो फिर नर्स उसे बोलता है कुछ घंटे आराम कर लो तो फिर तुम ठीक हो जाओ। फिर इचिकावा देखती है एक शू है और उस शू होता है यमाडा का। इचिकावा कुछ ज्यादा सोचता है इसीलिए उसका सिर और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। तो फिर नर्स बोलते है तुम आराम कर लो और नर्स चला जाता है और उसके पास से पर्दा हट जाता है और इचिकावा देखती है यमाडा उसके सामने सोई हुई है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर से इचिकावा ये सोचना शुरू कर देती है कि ये उसका चांस है उसे मारने का और वो यमाडा की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसका स्किन देखकर, उसकी आंखें देखकर। और यमाडा अपनी आंखें खोल लेती है और इचिकावा पीछे घूम जाती है। यमाडा देखती है ये कोई और नहीं है, इचिकावा है और फिर उसे बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। फिर वहाँ पर इचिकावा बोलता है मेरा सिर दर्द कर रहा है और तुम्हारा, और यमाडा बोलती है मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर अपनी पॉकेट से कैंडी निकालता है, इचिकावा देख के हैरान हो जाता है, पर यमाडा यहाँ पर एक दवाई निकालती है और बोलती है ये लो ये सिर दर्द का दवाई है। उसके बाद इचिकावा उससे वो दवाई लेती है और चली जाती है वहाँ से। उसके बाद इचिकावा कप को देखती है और उस दवाई को देखती है और उसे समझ में आता है कि यमाडा ने उस कप को यूज़ किया है और उसे तो घबराता नहीं है, वो मेडिसिन खाना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर वो घबराना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देता है और बीच में यमाडा आती है और यमाडा वहाँ से वापस चली जाती है। फिर से इचिकावा इस दवाई को खाती है और सो जाती है और बाद में यमाडा की शर्ट की तरफ देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, फिर भी खुद को रोकता है और ऐसे ही बहुत कुछ करता है। उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता तो फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपने हाथ को रोकने की। बाद में नर्स चली जाती है और नर्स बोलती है इस क्लास का ये स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में पढ़ता है ना, और इचिकावा बोलती है हाँ, और नर्स बोलती है तो फिर ये कपड़े उसे दे देना। फिर वो नर्स इचिकावा के ऊपर वो कपड़े फेंक देता है और इचिकावा उस कपड़े का स्मेल सूखना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी के बारे में बहुत कुछ सोचता है वो। और बाद में जब इचिकावा का तबीयत ठीक हो जाता है तो फिर वो उस कपड़े देने के लिए आता है यमाडा को और यमाडा निकालती है और बोलता है मैं कुछ भूल गया है नर्स के ऑफिस में, और उस चीज़ को लेने के लिए जाता है और इचिकावा बोलती है ये लो और वो चली जाती है पास से। और उसकी दोस्त बोलती है तुम क्या भूल गए, और कहता है मेरा कैंडी। इचिकावा यहाँ पर अपने हीरो के बारे में सोच रहा है कि अगर उसके बाएं हाथ से कुछ कर दे तो भी कितना मज़ा आएगा। और इचिकावा दोस्त भी जिससे बोल रहा होता है चलो हम लोग एक गेम खेले जिस गेम में लड़कियाँ हमें छुएगी। और इचिकावा सोचता है ये किस तरह का घिनौना गेम है और सोचता है ये लोग कितने गंदे है। और इचिकावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बाद में उसके पास से उसका दोस्त चला जाता है लड़कियों के पास, पर वो सब लड़कियाँ उसकी तरफ गुस्से की नज़र से देखता है और यहाँ पर उस लड़के की फटके चार हो जाती है और वो कहता है मैं तुम्हारी नाखून देखकर बता सकता हूँ तुम लोग कितने हेल्दी हो। और एक लड़की बोलती है हेल्दी का मतलब, और बाद में वो बोलता है कि हाँ तुम सब लोग ठीक हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। और फिर चला जाता है वो और फिर से उल्टी सीधे बात करना शुरू कर देती है। बाद में वो लड़का इचिकावा के पास आता है और बोलता है ये चीज़ यमाडा को दे दो, और इचिकावा सोचना शुरू कर देता है कि ये मुझे फंसा रहा है। और इचिकावा पूरी तरह से सीवर होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि तुम हंसते मिथन करते हो या नहीं। फिर वो अपनी ड्राइंग की तरफ देखता है और वो ड्राइंग यमाडा को दे देती है। फिर वह चला जाता है और यमाडा उसे खोल कर देखती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है वो। फिर इचिकावा क्लास के बाहर आता है और उस लेटर को देखता है और उस लेटर में लिखा होता है लाइन का एड्रेस। फिर से इचिकावा अपने बुक के अंदर ड्राइंग करना शुरू कर देता है। फिर से उसके दोस्त पीछे से कुछ उल्टी सीधे बातें करना शुरू कर देता है और फिर से इचिकावा सोचना शुरू कर देता है क्लास के अंदर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं ये लोग और इस तरह की बातें हर वक्त क्यों करते हैं ये लोग। फिर उसका दोस्त चला जाता है और बोलता है लड़कियाँ चलो हम एक गेम खेलते हैं, और इचिकावा बोलती है ये क्या कर रहे हो, और एक लड़की बोलती है हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और इचिकावा सोचती है इस तरह की बातें सुनकर यमाडा किस तरह का रिएक्शन देगी। उसके बाद वो सब लोग खेल शुरू करते थे और बोलते हैं एक हाथ से मेरे मुट्ठी को पकड़ लो। उसके बाद इचिकावा का दोस्त पीछे से बोल रहा होता है हमें पता चलेगा कैसे वो होता है क्योंकि वो जिस तरह से हाथ रखेगा, और ऐसे ही बहुत सारे पोजीशन के बारे में बोलता है, बहुत टाइप के कुछ बोल रहे होते हैं वो लोग। और इचिकावा का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और बीच में एक लड़की बोलती है हाँ हमें पता चल गया तुम क्या करना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम हमारे हाथ को टच करो। और कहता है तो फिर तुम हमसे ही क्यों पूछ रहे हो ये बात, वो लड़की बहुत ज़्यादा चालाक थी। और ऐसे में वो लड़का सबको कर रहा होता है अपने दोस्त को और वो दोनों आ जाते हैं और कहता है मेरे हाथ को पकड़ो, और उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है
और वो दोस्त नीचे हाथ लगाता है, इसका मतलब कुछ और ही होता है, आप इमेज देख के समझ सकते हैं। बाद में वो लड़का बोलता है जल्दी करो कोई तो करो, और एक लड़की स्केल से हाथ को टच करता है, कहता है टॉय से, फिर एक लड़की पैरों से टच करता है, उसके बाद दो लड़की और एक साथ हाथ लगाती है, और ये सब कुछ पीछे से इचिकावा देख रही होती है। बाद में ये मंडे की बारी होती है, फिर उन लड़कियों को पता चल जाता है इस गेम के बारे में, और लड़के बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, उसके साथ इचिकावा भी। इचिकावा लाइब्रेरी के अंदर जाती है और ये इस बात को लेकर सोचती है, ये कहता है ये सब कुछ गलत बात है। फिर वो एक स्नैक को देखती है और सोचती है वो बाथरूम गई है, और यमंडा आ जाती है, और यमंडा आते ही देखती है उसकी कैंडी को, और वो कैंडी गूंढना शुरू करती थी, और उसे पता चल जाता है एक कम है, तो फिर वो इचिकावा के पास जाता है और हाथ को खोल देता है, और देखता है वहाँ पर वो नहीं है, और इचिकावा उसे सॉरी मांगता है, और इचिकावा यह बार उल्टी सीधे बातें सोचना शुरू कर देती है, और हैरान होकर यमंडा की तरफ देखती है और सोचती है वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है और वो सवारी करना पसंद करती है। और बाद में हम देखते हैं यमंडा जो कुछ ढूंढ रही थी वो उसके पॉट के अंदर था, और वो होता है एक कैंडी, और इचिकावा की हालत ख़राब हो जाती है। और बाद में हम देखते हैं सब लोग एक बास्केटबॉल की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, और यमंडा की दोस्त यमंडा को गुदगुद कर रही है, और यमंडा हंस रही है, और उसकी टीचर बोल रही है ऐसा मत करो, और फिर उन लोगों का खेल शुरू हो जाता है, वो लोग सब कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, और कहता है मैं भी तो बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ उसी क्लब के अंदर हूँ, और इचिकावा ऐसा कुछ देख रही होती है। तो यहाँ पर इचिकावा यमंडा के बारे में बहुत कुछ सोच रही होती है, वो कैसी है क्या करती है, और ऐसे में वो यमंडा के बारे में सोचता है, और उसके पीछे से कोई बॉल आता है जो कि उसे हिट करता है, और इचिकावा गुस्से से उस बॉल को हिट करने जा रहा था, पर सामने से यमंडा आ रही थे, और यमंडा उसे माफ़ी मांगती है, और बाद में इचिकावा उसे बॉल दे देती है, और यमंडा उसे थैंक यू बोलते चली जाती है, और इचिकावा सोचती है मैं क्या सोच रहा था। बाद में एक जगह पर बैठ जाती है, फिर वो देखता है यमंडा उसकी तरफ देख रहा है, सीधा उसी की तरफ देख रहा है, और बाद में एक बॉल आके उसके मुंह पे लगता है, और वो गिर जाती है, और उसके दोस्त आके बोलते हैं तुम ठीक हो, और यमंडा बोलती है मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, और इचिकावा यहाँ पर सोचती है ये क्या हो रहा था, वो बस मुझे मेरी तरफ देख रहा था। बाद में इचिकावा देखती है उसके नाक से खून निकल रहा है, तो कोच आते हैं और कोच बोलते हैं तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, तो फिर वो चले जाते हैं ऑफिस की तरफ। फिर यमंडा की दोस्त एक लड़की के ऊपर गुस्सा हो जाती है, बोलते तुम हंस क्यों रहे थे, और इचिकावा वहाँ से उठती है और उसके पीछे करना शुरू करती है, और सोचती है उस ज़्यादा कुछ ना हो उसके साथ। इचिकावा वापस चली जाती है और देखती है यमंडा का इलाज हो रहा है, और उसके कोच बोलते हैं उसके दोस्त को जाओ बैग और उसके कपड़े लेके आओ, और इसी वजह से इचिकावा एक बेड के नीचे छुप जाती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और इचिकावा सोच रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ, और उसके कोच ने उसके मॉम को फ़ोन किया था और बोलता है अपने मॉम से बात करो, और यमंडा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और कल तो कुछ और है, और हमें पता चल जाता है कि यमंडा का फोटो शूटिंग का काम था टू मोड़ का, और वो नहीं होगा, और रोती हुई बोलती है मुझे माफ़ कर दो, और यहाँ पर यमंडा रो रही है तो फिर इचिकावा भी रोना शुरू कर देती है, और इचिकावा सोचती है मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्यों रो रहा हूँ। फिर यमंडा एक टिश्यू पेपर निकालती है और उसके हाथ से एक फ़ोटो गिर जाता है जिस फोटो को इचिकावा ने उसे दिया था, और इचिकावा ये फ़ोटो देख लेती है। फिर इचिकावा उस फोटो को देख के बहुत कुछ सोचती है, वो उस पल को सोचती है पल को जब वो दोनों एक साथ थे, बहुत कुछ काम किया था, और इचिकावा यहाँ पर सोचती है मैं उसे पसंद करता हूँ। और यहाँ पर क्लास के अंदर सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे हैं और इचिकावा यहाँ चुपचाप बैठ रहती है, और पीछे से उसके दोस्त आते हैं और उसके दोस्त बोलते हैं यमंडा का खून का कुछ दाग यहाँ मेरे पास है, और ये सुनने के बाद इचिकावा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कुछ बोलने जा रहा था पर उसे याद आया कि उसके कपड़े पे खून के निशान है, तो फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। और नेक्स्ट डे होता है, सब लोग यमंडा को बोल रही है तुम्हारे नाक को क्या हुआ, और यमंडा बोलती है मेरे बास्केटबॉल लगी है नाक पर, और ऐसे में इसके दोस्त नाक के ऊपर लिख देता है कि बास्केटबॉल से ये सब कुछ हुआ है, और उसके दोस्त बोलते हैं हम लोग खुश है कि तुम्हारा कुछ नहीं तोड़ा, सही में ये बहुत ही अच्छी बात है। और यमंडा यहाँ पर माफ़ी मांगता है, और यमंडा यहाँ पर सोचती है अगर ये कुछ टूट जाता यहाँ पर कुछ और हो जाता तो मैं क्या करता। यमंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाते क्योंकि वो मॉडलिंग भी करते हैं इसलिए, और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, और ये सब कुछ इचिकावा देख रही होती है, और यमंडा बोलती है मेरे माँ ने और मैनेजर पे यही कहा था कि कुछ नहीं हुआ ठीक है, पर मैं श्योर हूँ कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस बारे में। और इचिकावा ये सब कुछ सुनने के बाद वो सोचता है यमंडा बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है हमसे ज़्यादा, पीछे से उसके दोस्त उल्टे सीधे बोल रहे होते हैं, और इचिकावा गुस्से में आ जाती है, और देखते हैं शाम हो चुकी है और
क्लास छुट्टी हो चुकी है और इचिकावा देखते ही यामाटो को जो कि रो रहा है और उसका टिश्यू पेपर खत्म हो चुका है। फिर इचिकावा लाइब्रेरी जाती है और अपने टिश्यू पेपर को रखती है और इचिकावा उस टिश्यू पेपर को एक जगह पर रखती है और सोचती है अगर ऐसा रखेगा तो कुछ अलग मीनिंग होगा। और ये सब कुछ ठीक करने के लिए हर एक बेंच पर टिश्यू पेपर रख देता है और यहाँ पर यामाटो आती है और देखती है हर एक बेंच पर टिश्यू पेपर है। और इचिकावा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे संदेह ना हो कि ऐसा किसने किया। फिर यामाटो अपना स्नैक निकालती है और खाना शुरू कर देती है और उस टिश्यू पेपर से अपना हाथ मोछती है। और इचिकावा यहाँ पर सोचती है अगर वो इस तरह से ही खुशी है तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।